कृष्ण जन्माष्टमी है तो कृष्ण जन्माष्टमी पे कृष्ण के लिए भोग बनाएंगे, तो पंजीरी बनाएंगे। तो पंजीरी बनाने के लिए हमें चाहिए ये थोड़े से, देखिए 8 से 10 ले बादाम ले, थोड़े से किशमिश ले और धनिया ले। आप साबुत धनिया भी लेके पीस सकते हैं, मैं पिसी हुई धनिया ली हूँ। और थोड़ी सी सौंफ ले और ये छोटी इलायची ले जिसे आप पाउडर बना ले, और थोड़े से मखाना ले और ये थोड़े से काजू ले बीच में, और ये नारियल ले। नारियल को सबसे पहले मैं नारियल को घस लेती हूँ और इसके तैयार कर लेती हूँ पाउडर से। तो फिर हम घसते हैं, तो नारियल को इस तरह से घस लेते हैं। तो ये देखिए हमने घस लिए है, अब इसे मैं रख लेती हूँ बाउल में। ये अब काजू को काट लिए हैं, अब बादाम को काट लेते हैं, इसे भी इस तरह से। बादाम को भी काट लिए हैं, अब मखाने को काट लेते हैं। मखाने को भी इस तरह से काट ले, इसे भी काट लिए हैं मखाने को भी। और छोटी इलायची ये देखो, ये देखिए अच्छी तरह से कूट के निकाल दिए हैं, इसके सभी अलग कर लिए हैं। चलिए ये धनिया है, धनिया को हम चाल लेते हैं, अगर कुछ है तो हट जाएगा। ये हमने चाल लिया धनिया को, ये देखिए इसे भी अब बॉल में हम रख लिए। अब चलते हैं गैस की तरफ, गैस जलाएं और फ्राई पैन रखें और इसमें घी डालें। घी 1 चम्मच डालें और इसमें हम मखाना डालेंगे। तो मखाना को हम सबसे पहले फ्राई कर लेते हैं। करारे होने तक मखाना को फ्राई करेंगे। देखिए कलर चेंज हो चुका है मखाने का, मखाना फ्राई हो चुका है। अब इसे मैं निकाल लेती हूँ। तो अब मैं इसमें घी डालती हूँ, थोड़ा सा डालें बस, काफी है। अब इसमें मैं बादाम को भूंज लेती हूँ। देखिए काजू भी डाल दिया है, इसे भी फ्राई कर ले और इसी में डाल दें किशमिश भी, किशमिश को भी हल्का फ्राई कर ले। ये देखिए ये भी हो चुका है, देखिए चेंज हो चुके हैं कलर इसके भी, तो इसे भी हम निकाल लेते हैं। ये देखिए नारियल डालते हैं, तो नारियल को भी थोड़ा हल्का 1-2 मिनट फ्राई करेंगे खुशबू आने तक। ये खुशबू आने लगी है, ये भी फ्राई हो चुका है, 1-2 मिनट काफी है नारियल को भूनने के लिए। तो अब इसे भी डाल देते हैं। अब इसमें धनिया को थोड़ा फ्राई कर लेते हैं, धनिया में से भी रंग कलर चेंज होने तक इसे भी फ्राई करते हैं। धनिया का भी कलर चेंज हो गया, अगर आपको लगता है धनिया कलर चेंज नहीं होता, इसमें से खुशबू आने लगेगी धनिया की। तो धनिया भी हमारा हो चुका है फ्राई, अब इसे भी हम निकाल लेते हैं। पंजीरी बनाना है तो सभी चीज को एक में ही मिक्स करना है, इसलिए मैं सभी को एक ही प्लेट में डाल दी हूँ। इसमें थोड़ी सी इलायची थोड़ी सी सौंफ डाल देते हैं, जिसमें टेस्ट बहुत अच्छे आएंगे। और इसमें ये मैंने चीनी पीस रखे हैं तो इसे मिला दें, आप चाहे तो यहाँ पे गुड़ भी मिला सकते हैं। सभी को मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए सभी कुछ को मिक्स कर चुकी हूँ, अब ये हमारा पंजीरी गोपाल के कृष्ण के लिए तैयार है। अब इसके ऊपर 1 तुलसी का पत्ता रखें और भोग हम लगाएंगे। देखिए तुलसी के पत्ता रख देंगे, अब हमारा भोग तैयार है, प्रसाद तैयार है। अब लड्डू गोपाल के लिए हम प्रसाद अपना तैयार कर लिए हैं, तो अब चलते हैं पूजा करने।